शुभमन गिल के इस इनिंग के बाद सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो सारा का सारा इंडिया के लोग हैं। कौन बोला? शुभमन गिल ने अपने ससुर जी यानी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे खुश होकर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उनका दामाद अब गिल ही बनेगा। अच्छा केएल राहुल की बैटिंग देखकर अन्ना बहुत नाराज हो गए हैं। केएल राहुल की बैटिंग देखकर अन्ना बहुत नाराज हो गए हैं और वो बोले हैं आथिया से तब तक बात नहीं करने के लिए जब तक वो सेंचुरी नहीं मार देते। राहुल तूने अच्छा नहीं किया। राहुल अब मेरी बेटी से तब तक बात नहीं करना जब तक सेंचुरी नहीं मार देते। राहुल मेरी जान है। समझ रहे हो ना। दीपक हुडा जब से इंडियन टीम में खेलना चालू किया है तब तक इंडिया एक भी मैच नहीं हारी है। हम तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप में सारे मैच खिलाओ, रन मारे या ना मारे इंडिया जीत जाएगी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बॉम्बे के प्लेयर्स का जितना अजीब परफॉर्मेंस था वैसे ही उससे भी ज्यादा अजीब इनका नाम है। अगर कोई इनको बुलाता भी होगा तो कैसे बुलाता होगा? रेगिस चकबावा। जहाँ जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को 30-40 रन मारने में भी दिक्कत हो रही थी वहाँ सिकंदर राजा ने सेंचुरी मार दी। पहले भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेल के न जीतने वाला मैच जिताया था। चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे प्यारे सेगमेंट में मीम्स मेमे मामा रिव्यू। सुमन गिल सचिन तेंदुलकर दहेज कितना लोग डिस्कस कर ले। शुभमन गिल की लॉटरी लग गई। टेस्ट ओडीआई स्कोर इन जिम्बाब्वे 130 शुभमन गिल, 127 सचिन तेंदुलकर। ससुर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब तो शादी पक्की है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? शादाब खान सेड बाबा राजम इज द मिक्सचर ऑफ बोथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, मीनवाइल द रोनाल्डो एंड मेसी। पाकिस्तान के प्लेयर्स को कितनी बार समझाया गया है कि जिसका जो काम है वही से करने के लिए, लेकिन इनको हर बार मुंह से ही हगना है। हग दिया। पाकिस्तान बिन बाय 9 रन्स। पाकिस्तान फैंस इज्जत बच गई। लॉर्ड पाकिस्तान टीम इतने रनों से नीदरलैंड को हराया, ये मामूली बात है, हर कोई टीम हरा सकती है। अच्छा नो इट डजंट अफेक्ट माय बेबी 23 इयर्स लेटर। इनके माता पिता को उस समय पे धूम्रपान नहीं करना चाहिए था, उसका असर अब दिख रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो खुद सब्सक्राइब कर देना, फिर अपने दोस्तों से बोलना कि सब्सक्राइब कर देने को। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आओ पियो ऐश करो मित्रों।